आप कैसे हो? आज ये देखो, आज बोर्ड पे क्या बना हुआ है? एक चार्ट बना हुआ है। आज अब मैं आपको यूनिट 3 की 3.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल है, किसी भी चैप्टर को करने से पहले जो है उसका कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए पहले हमने क्या किए हैं। फैक्टर्स यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to 12 तक, ठीक है। आगे फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर वन के फैक्टर एक ही है। कितना? द नंबर वन हैज ओनली वन फैक्टर। एक ऐसा नंबर है, वन जो है एक ऐसा नंबर है जिसका कितने फैक्टर बनते हैं? ओनली वन। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर वन। टू के फैक्टर्स जो है, टू है, एक एक हो गया, एक दो हो गया। कैसे? जैसे कि टू के फैक्टर हैं, हमने पहले एक से किया, ठीक है, पहले एक से किया, फिर क्या किया? फिर दो से किया, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर बने? दो फैक्टर, एक एक और एक दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने फोर का किया था, आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी, फोर का किया था ना, वन को फोर से, ऐसे ही यहाँ पे क्या है? टू है, वन को, फिर यहाँ पे क्या किया? वन टू आर टू, ठीक है। इसके कितने फैक्टर हो गए? एक वन एक टू। यहाँ पे जैसे टू का ये टू वंस टू, समझ आ गई? वन और टू के, टू के कितने फैक्टर हैं? एक वन हो गया, एक टू हो गया। ये दो फैक्टर जो हैं वो टू के हैं। थ्री के कितने हो गए? पहले वन से किया, वन थ्री थ्री हो गया, फिर थ्री से किया, थ्री वन आर थ्री। ऐसे ही किसके हो गए? फोर के, वन टू फोर। जैसे फोर के कितने हो गए? फोर है यहाँ पे, वन फोर आर फोर, ठीक है। इसके ये हो गए, फिर फोर के कितने हो गए? टू टू आर फोर। फिर फोर के कितने हो गए? फोर वन आर फोर। ये है इसके थ्री फैक्टर। ऐसे ही सबके फैक्टर निकाल के देखो, जैसे मैंने आपको फैक्टर्स के टाइम करवाया था। आज हमने फैक्टर्स निकलने, फैक्टर्स हम कर चुके हैं। ऐसे ही फाइव के टू फैक्टर्स हैं, सिक्स के वन टू थ्री सिक्स, सेवन के वन और सेवन, एट के वन टू फोर एट। किसी के भी निकाल के देख लो, आपके जैसे ट्वेल्व के हैं, ट्वेल्व के वन ट्वेल्व सा ट्वेल्व, ये हो गया ट्वेल्व, और किससे जाएगा? टू से जाएगा, टू सिक्स आर ट्वेल्व का, थ्री थ्री फोर आर ट्वेल्व का, फोर थ्री आर और ट्वेल्व का सिक्स टू आर और ट्वेल्व का ट्वेल्व, ये हो गए। इनमें सब में रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है। तो ये ट्वेल्व के कितने फैक्टर्स हैं? ओनली सिक्स। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? राइट साइड पे क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, वन के वन, टू के कितने हैं? वन और टू कितने हो गए? टू। थ्री के कितने हैं? वन और थ्री है, कितने हो गए? टू, सॉरी यहाँ पे भी टू आना है, ओके, यहाँ पे टू। इसके थ्री है, इसके टू है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, इनकी काउंटिंग कर देनी है आपने। वन टू फोर एट कितने हो गए? फोर। वन थ्री नाइन थ्री हो गए, वन टू फाइव सिक्स फोर हो गए, वन और इलेवन टू हो गए। अब मैंने आज आपको ये फैक्टर्स का चार्ट इसलिए बनवाया है ताकि इससे आप प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, फैक्टर्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इससे प्राइम और कंपोजिट नंबर कैसे? देखो बच्चों, दिया कहता द नंबर वन हैज, ये आपके पेज नंबर 51 है, पेज नंबर 51, इससे आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। कहता नंबर वन का एक ही फैक्टर है, देन अगली टर्म में उसने बी पार्ट क्या दिया है? देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ।
हमने दूसरे बार में क्या लेना है, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर बनेंगे। एक ये हो गया जिनके सिर्फ दो फैक्टर है, एक ये हो गया जिसके सिर्फ दो फैक्टर है, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं और इसके भी दो हैं। ये देखो है ना, इनके दो दो, इनमें से एक तो सब में आएगा, एक तो नंबर ऐसा है, द नंबर वन हैज ओनली वन फैक्टर। ये क्या है, नंबर वन, इसका एक ही फैक्टर है, बाकी के क्या हैं, बाकी जो है ऐसे नंबर लेने हैं जिनके दो फैक्टर हैं, तीन के नहीं हमने लिए, दो फैक्टर हैं जिनके। ये देखो इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, लेकिन वन जो है सब में आता है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम करते हैं पहले वन से करते हैं, ठीक है, वन से करते हैं, तो वन हर एक में आएगा। अब इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से नंबर हो गए, टू, ये देखो जिनके दो फैक्टर है, ध्यान से देखो, टू थ्री फाइव और सेवन और इलेवन, टू थ्री फाइव सेवन और इलेवन, दैट नंबर आर, दीज नंबर आर प्राइम नंबर्स। ओके, अब समझ आया, ये मैंने चार्ट क्यों बनवाया है, दीज आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे नंबर, ऐसे फैक्टर जिनके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, जिनमें वन तो ऑलरेडी है ही है और एक दूसरा जो उसका नंबर है, ठीक है। वन और टू में टू उसका नंबर है खुद, और वन तो हर एक का फैक्टर होता है, और वन और थ्री, थ्री भी ये नंबर है, ठीक है। ये चार पांच हो गए, ये पांच क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन कभी नहीं भूलेगी, ऐसे फैक्टर जिनके दो फैक्टर बनते हैं, उनमें एक एक तो है ही, लेकिन जो दूसरा है वो नंबर है उसका, तो ये दैट आर प्राइम नंबर्स। समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, द नंबर्स अदर देन वन हूज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ कॉल्ड आर प्राइम नंबर्स। कहता द नंबर्स अदर देन वन हूज ओनली फैक्टर आर वन, जिनका एक ही फैक्टर है और एक नंबर दूसरा है, ठीक है, दूसरा नंबर वो वाला नंबर है और एक फैक्टर एक नंबर है, तो ये दोनों जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। आगे क्या है, देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स लाइक। अब देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बोला द नंबर वन हैज ओनली फैक्टर वन फैक्टर, एक नंबर का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है एंड इटसेल्फ, ठीक है, ये तो एक नंबर है। नंबर वन इज नाइदर, नंबर वन जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नंबर वन इज नॉट प्राइम नंबर और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। अभी आपको कंपोजिट नंबर भी बताऊंगी मैं। नंबर है ना ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है, और एक नंबर जो है इसका ना तो प्राइम नंबर है ये, ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर ही एक है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने क्या लेनी है कि जिसमें एक नंबर आता है, दूसरा उसका अपना नंबर। वन, एक तो वन हर एक में आएगा, एक वो जो नंबर जिसका फैक्टर है, ठीक है, टू जैसे हो गया, थ्री हो गया, ये इसका फैक्टर है, तो दैट्स आर प्राइम नंबर। आगे क्या कहता है, देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता लग गई कि जिसका नंबर वन है और साथ में वो वाले नंबर का फैक्टर जो है। प्राइम नंबर द नंबर अदर देन वन हूज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। Then there are numbers having more than two factors, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। ये देखो ये कंपोजिट नंबर्स हैं, ये मैं सी लिखूंगी इस पे, जिनके दो से ज्यादा नंबर हैं। नंबर वन जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है, ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर वो है जिनके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, और कंपोजिट नंबर्स वो हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। दो से ज्यादा किस किस के बनते हैं, ये आगे ये देखो ध्यान से मैं लिख रही हूं,
ये हो गए, दो से ज्यादा है ना ये देखो, दो से ज्यादा जिनके फैक्टर बनते हैं दैट आर कंपोजिट नंबर्स, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। समझ आ गई? ये मैंने आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बताया है कि आपको कभी भी ना भूले कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। प्राइम नंबर्स वो हैं जिसमें सिर्फ दो नंबर आते हैं, एक वन है और एक वो नंबर है जिसका वो फैक्टर है, ठीक है, वन थ्री ये वाले। और कंपोजिट नंबर्स वो हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। दो से ज्यादा किस किस के बनते हैं? आप देखो ध्यान से, फोर हो गया, सिक्स हो गया, ये दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, सिक्स हो गया, एट हो गया, लास्ट डिजिट लेना है, फोर सिक्स एट, टेन हो गया, ट्वेल्व, दैट आर कंपोजिट नंबर्स, दैट आर कंपोजिट नंबर, ये है। समझ आ गई आपको? डाटा क्या है? कंपोजिट नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर्स है। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कहते हैं विदाउट एक्चुअली इजियर मेथड क्या है हम और करेंगे, कहते फाइंड प्राइम नंबर्स 1 to 100। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन सी प्राइम नंबर्स, इसकी डेफिनेशन जो है आपने इसको एक बार लर्न कर लेना है, ग्रीक मैथमेटिशियन इरेक्टोस्थिन्स ने दी है। ग्रीक मैथमेटिशियन इरेक्टोस्थिन्स ने 3rd century। बच्चे ये तो चीजें पढ़ते ही नहीं, एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज आपको तभी समझ आएगी आप जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर्स का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जिनमें वन होता है और दूसरा वो नंबर जिसका फैक्टर है, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर्स की फिर मैं दोबारा बोल रही हूं कि देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसमें एक दो फैक्टर होते हैं, जिसमें नंबर वन होता है और दूसरा कौन सा होता है? नंबर इटसेल्फ, जैसे इसका है, जैसे इसका है, ठीक है, ये नंबर इटसेल्फ और नंबर वन, दैट्स आर प्राइम नंबर्स की ये डेफिनेशन है। और कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, लाइक 4, 6, 8, 9। इनके ध्यान से देखो, दो से ज्यादा फैक्टर हैं इन सब के, दैट्स आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, समझ आ गया आपको? आज इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी, आपने अच्छी तरह इसको लर्न करना। ओके बाय बाय। जो आप कैसे हो आज, देखिए आज आपके बोर्ड पे क्या छोटे बच्चों की तरह 1 to 100 मैंने काउंटिंग लिखी है। ये काउंटिंग ये तो छोटे बच्चों की है, लेकिन ये जो सर्कल किए हुए हैं, राउंड किए हुए हैं, ये छोटे बच्चों का काम नहीं है। ये जो है आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 का जो एग्जांपल है, पेज नंबर 52 पे, जिसका ये मेथड जो दिया हुआ है ग्रीक मैथमेटिशियन इरेक्टोस्थिन्स ने दिया है। इसमें उसने क्या मेथड दिया है? ऑल नंबर्स 1 to 100। कल मैंने आपको क्या करवाया था? कल मैंने आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, इससे पहले वीडियो में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स करवाए थे। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, मैंने बोला था कि वन जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। वन क्या है? इट इज नॉट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। ये जो सर्कल किए हुए हैं 2, 3, 5, 7, 19, 17, ये कौन से हैं? ये सारे ध्यान से देखिए किन किन पे सर्कल किया हुआ है, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, जिसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, ये वो नंबर्स हैं जिसके 1 से लेकर 100 तक की गिनती के उन सर्कल, उन नंबर्स पे सर्कल किया हुआ है जिनके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं। कौन से? एक वन और एक वही नंबर इटसेल्फ। ये सारे क्या हैं? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनको सर्कल किया हुआ है। और जिन नंबर्स को मैंने सर्कल नहीं किया,
ध्यान से देखो, 1 to 10 में सिर्फ मैंने 2, 3, 5 और 7 को सर्कल किया, 11 to 20 में 11, 13 और 17 और 19 को सर्कल किया। अब इसी में देखो कि इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसके सिर्फ इन सब के जिनके सर्कल किए हुए हैं 2 फैक्टर बनते हैं। जैसे 73, फॉर एग्जांपल 73, इसको 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 173 कितना हो गया, 0, जिनका रिमाइंडर 0 आता है और सिर्फ 2 बार डिविजिबल होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, तो वो क्या है, प्राइम नंबर्स। वेरी गुड, ये जो है प्राइम नंबर्स है। 53 ले लो, 89 ले लो, 79 ले लो, 59 ले लो, इनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। 1 ऐसा नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं है, 1 सिर्फ इसका 1, बिकॉज इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, ना तो ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, इस चीज को याद रखना है। और बाकी जो सर्कल किए हुए नंबर हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, इनको छोड़ के बाकी जो नंबर मैंने छोड़ दिए हैं, चाहे उनपे क्रॉस लगा लो, चाहे कोई भी छोड़ दो, ये सारे नंबर क्या हैं, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। तो जिनके हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बने वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। इस चीज को ध्यान रखो, 3 बातें हैं इसमें याद रखनी। 1, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए कंपोजिट नंबर। सेकंड पॉइंट, दोस फैक्टर्स जिनके सिर्फ 2 only फैक्टर बनते हैं, दैट नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं वो प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक जो सर्कल किए हुए हैं, जो सर्कल वाले नंबर हैं, सारे ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और जो बाकी बच गए हैं, ये सबसे डिविजिबल होते हैं। ये 24 को देखो, 1 से करोगे क्या होगा, 1 से 24 1 हो गया, इसका फैक्टर क्या बनेगा, 24 के फैक्टर बना के देखो, 1 हो गया, 2 12 24, 3 8 24, 4 6 24, 6 4 24, 24 1 24, ठीक है। ये 24 के 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बने वो कंपोजिट नंबर हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है, समझ लेना है, जो सर्कल किए हुए हैं जिनके 2 फैक्टर बनते हैं दैट्स आर प्राइम नंबर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं दैट्स आर कंपोजिट नंबर्स। समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है, कोई भी नंबर ले लो, 97 है, 1 को 97 से डिवाइड करो, 97 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 97, इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं तो दैट इज ए प्राइम नंबर। लेकिन 96 क्या है, इसको 1 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, तो कितने ज्यादा फैक्टर बन गए, दैट इज ए कंपोजिट नंबर्स। कोई भी नंबर ले लो, 66, इसको 1 से करो, 66 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से नहीं बनता है, 4 से नहीं बनता है, 6 से बन जाता है, ठीक है। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए दैट आर कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, ये इरेक्टोस्थीन्स ने नंबर दिया है। आप कहते हैं राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। अब 15 से कम वालों के प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, ये देखो हमें मिल गए खुद ही। कभी मैंने ये चार्ट बनाया, 2, 3, 5, 7, 13, 11, ये सारे क्या हैं, 15 तक के हैं, ठीक है। ये 15 तक के सारे प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 तक बोला है, तो हमने 1 नहीं काउंट किया है, 2, 3। नेक्स्ट, इवन एंड ऑड नंबर्स, कहता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं। अब एनी पैटर्न इन ए नंबर, 2, 4, 6, 8, ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो 2 से मल्टीपल हो जाते हैं, ईच ऑफ देम इज ए मल्टीपल ऑफ 2,
दैट इज ए इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हुए? जो दो से मल्टीपल हो जाते हैं, विच मल्टीपल बाय टू, दैट नंबर्स आर इवन नंबर्स। जैसे 92 है, ये दो से मल्टीपल हो जाता है, इसको भी हम दो से कर देते हैं। ये देखो, ये दो से मल्टीपल होता है कि नहीं होता, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 92 को। दो चौके 8, दो छक्के 12, हो जाता है ना। इसको मल्टीपल कैसे करेंगे? 2 मल्टीपल 46, दैट इज ए 92। जो दो से मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल कहो या डिवाइड कहो, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर है जिनको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, दैट इज ए इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हुए? जो विच इज मल्टीपल ऑल नंबर्स, विच इज मल्टीपल ऑल नंबर्स, विच इज मल्टीपल बाय 2, विच इज मल्टीपल बाय 2, जो कि दो से मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल बाय 2। तो कौन कौन से हुए, ध्यान से देखो कौन से हुए। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ये तो 1 से 100 तक है जो इवन नंबर्स हैं। 76 इज आल्सो इवन नंबर बिकॉज विच इज मल्टीपल बाय 2, 88 इज आल्सो मल्टीपल नंबर, सॉरी इवन नंबर बिकॉज इट इज मल्टीपल बाय 2। मल्टीपल या दो से डिवाइड करने पर जिनका रिमाइंडर 0 बचेगा, दैट इज ए इवन नंबर। ओके, ऑड नंबर्स क्या हो गए? अब जो मल्टीपल नहीं होते हैं 2 से, जो मल्टीपल 2 से नहीं होते हैं, जिनका रिमाइंडर जो है अगर 2 से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर बचता है, दैट इज ए ऑड नंबर्स। समझ आ गई? दैट इज ए ऑड नंबर्स। ये देखो, ये ऑड नंबर है। 26 क्या है? इवन नंबर है। समझ आ गई? क्यों इवन नंबर है? क्योंकि ये मल्टीपल है 2 से। ऑड नंबर ये क्यों है? क्योंकि ये 2 से मल्टीपल नहीं है। अगर हम 2 से करेंगे तो इसका 25 को 2 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा, दैट इज ए ऑड नंबर। इसीलिए जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, दैट इज ए ऑड नंबर। ओके, ये मैंने सर्कल लगा दिया इस पे, दैट इज ए, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर्स है। ये जैसे 64 है, दैट इज ए इवन नंबर, 65 इज ऑड नंबर, 74 इज इवन नंबर, 75 इज ऑड नंबर, विच इज नॉट मल्टीपल बाय 2, विच इज मल्टीपल बाय 2, दैट इज ऑड नंबर। ये क्या है, सॉरी, ये इवन नंबर है विच इज मल्टीपल बाय 2, 75 विच इज नॉट मल्टीपल बाय 2, दैट इज ए ऑड नंबर, 100 इज आल्सो ए मल्टीपल बाय 2, ओके, 100 इज आल्सो मल्टीपल बाय 2, दैट इज ए इवन नंबर, बट 99 इज ए ऑड नंबर, 69 इज ए ऑड नंबर, 68 इज ए इवन नंबर, 57 इज ए ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे, चाहे 2 से डिवाइड या 2 से मल्टीपल। 2 से मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को हम, किसी भी नंबर को हम 2 से, जैसे 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 56। लेकिन अगर 2 से इसको मल्टीपल करेंगे 228, उसका एक बच जाएगा, तो दैट इज ए ऑड नंबर। जिसमें रिमाइंडर बच जाता है डिवाइड करने पर, दैट इज ए ऑड नंबर। अब समझ आ गई? वी ऑल नंबर्स विच इज मल्टीपल बाय 2, दैट इज इवन नंबर, और जो मल्टीपल नहीं होते हैं, दैट इज ऑड नंबर्स। 1 जो है ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर्स भी नहीं है। वी कैन से, बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम क्या कहते हैं, 2 इज द स्मॉलेस्ट, अब देखिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। प्राइम नंबर्स जो है विच इज इवन, 2 कौन सा है? 2 जो है सबसे छोटा नंबर है इवन नंबर में।
इट मीन्स कि टू से शुरू होते हैं इवन नंबर्स, ओके, सॉरी जीरो से भी, वी से दैट नंबर विद जीरो टू फोर सिक्स एट वंस प्लेस इज एन इवन नंबर, जीरो भी काउंट करते हैं, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर से बोलते हैं तो टू जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, लेकिन है क्या ये इवन नंबर, ओके, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू इज ऑड, कहता दो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स जो हैं, सारे प्राइम नंबर्स दो को छोड़ के, ये देखो ध्यान से, दो को छोड़ के, दो क्या है इवन नंबर है लेकिन है प्राइम नंबर, ये स्मॉलेस्ट है, कहता दो को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या है ऑड है, एक्सेप्ट ओनली टू, अंडरस्टैंड, राइट द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स और बी जो है इवन नंबर्स, कहता सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, कोई दो ऑड नंबर जोड़ लो, ये क्या बन गया थ्री थ्री सिक्स हो गया, वन टू थ्री कितना हो गया 36, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोनों को ऐड करने पर 13 और मैं आपको करवाऊंगी ऐसे ही आपको बता रही हूँ, 13 और 23 दो और नंबर को जोड़ने पर आंसर क्या आएगा 36 इवन नंबर बन गया, दो इवन नंबर को जोड़ने पर, इवन नंबर को जोड़ने पर तो इवन ही आएगा, 2 2 4 2 3 2 1 3 और नंबर, सॉरी इवन नंबर, ठीक है, अगर दो और नंबर को जोड़ते हैं तो उसका आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा, अगर दो इवन नंबर को जोड़ते हैं तो उनका आंसर भी इवन नंबर आएगा, ओके, बाय बाय।